गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं वासु, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रोन या फिर समचतुष्फलक के बारे में। टेट्राहेड्रोन हमारा जो मेनली पूछा जाता है वो या तो सीडीएस में पूछा जाता है या फिर एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर। टेट्राहेड्रोन कुछ इस टाइप की शेप होती है, इसको हम एकदम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसका एक बेस होता है, तीन इसकी लेटरल सर्फेसेज होती है या फिर तिर्यक प्रस्थ कह सकते हो, और इसको आप चाहो तो पिरामिड भी कह सकते हो। ऐसा पिरामिड जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, और इसके जो तीनों के तीनों लेटरल सर्फेसेज है वो भी हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। तो हम लोग इससे जुड़ी हुई सारी की सारी बेसिक बातें भी डिस्कस करेंगे, फिर ये देखेंगे कि इनको आप माइंड के अंदर किस टाइप से ध्यान रख सकते हो। कॉन्सेप्ट समझना ही इंपॉर्टेंट बात तो ये है, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेट्राहेड्रोन। एक इंपॉर्टेंट बात और कि आप ये जो वीडियोस हैं एटलीस्ट इनको 360 पिक्सल में देखें, 144 या 240 पिक्सल में देखेंगे तो क्लैरिटी थोड़ी सी अजीब हो जाएगी, 360 पिक्सल में जरूर देखें। चलिए, जो हमारा टेट्राहेड्रोन होता है वो बनता कैसे है। जैसे हम लोग लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमने लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, इनको आपस में हमने मिला दिया। अब यहां पर देखो, मिड पॉइंट को जब आप मिलाते हो तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री की, उसको अब हम लोग डिस्कस नहीं करने जा रहे। सिंपल सा इतना ध्यान रख लेना, जैसे आप इधर से इसकी मिड पॉइंट और मिड पॉइंट को मिलाते हो तो अगर आपकी ये साइड एक्स है तो ये वाली साइड आपकी 2x हो जाएगी। तो यहां पर चलो हम ऐसा मान लेते हैं कि इस साइड को ए लिया, इसको ए लोगे तो ये पूरी की पूरी साइड, ये ए लिया तो ये पूरी साइड हमारी 2a हो जाएगी, और इसके भी दो इक्वल डिवीजन है ए और ए। ऐसे यहां पर ए और ए, और इस हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। या फिर इसको और थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें, हमारा जो टेट्राहेड्रोन है वो कैसे बनता है। आप बेस में लेते हो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। अब क्या करोगे, आप तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल उठाओगे, एक को यहां चिपका दोगे, एक को यहां चिपका दोगे और एक को यहां चिपका दोगे। ये जो पार्ट है हमारे सामने, ये इसका 2D रिप्रेजेंटेशन है, 2D के अंदर है। अगर हम इसको 3D के अंदर देखते हैं तो देखो, लिया क्या हमने, हमने लिया बीच के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे ये है एक दो और तीन, तो ऐसे ही हमने एक दो और तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल और ले लिए। अब इसको क्या किया जाता है, ये जैसे यहां पर रखा हुआ है, इस वाली सरफेस को कुछ ऐसे घुमा दिया, इस वाली सरफेस को कुछ ऐसे घुमा दिया और इस वाली सरफेस को कुछ ऐसे घुमा दिया, तो ये जो शेप बन गई ये हमारी बन गई 3D के अंदर। अब ये जो कहलाएगा ये हमारा टेट्राहेड्रोन या फिर समचतुष्फलक कहलाएगा। अब देखो, यहां याद रखने के अंदर आसानी क्या रहेगी, हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपने अभी अभी देखा कि ये किससे बनता है, चार इक्विलेटरल ट्रायंगल से, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या ली हमने ए, तो इसका मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a², और इसको अगर मैं चार से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे सामने रिजल्ट आता है √3/4 √3 a². एक छोटी सी बात आप सीधे सीधे ध्यान रख सकते हो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको इतना ध्यान रख लेना टेट्राहेड्रोन चार इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है, एक का एरिया √3/4 a², उसको कर दो चार से मल्टीप्लाई। ये याद रखो तो ठीक है, ना याद रखो ऊपर वाली बात जरूर ध्यान रखो। चलिए अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। हुआ क्या था, इसको हमने मान लिया था बेस, इस वाले पार्ट को फोल्ड किया, इस वाले पार्ट को फोल्ड किया, इस वाले पार्ट को फोल्ड किया, अब हमारे पास एक दो और तीन, तीन बन गई लेटरल सरफेस। अब ये जो तीनों सरफेस थी लेटरल सरफेसेस बन गई, तो यहां से कहेगा तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 3 √3/4 a². टोटल सरफेस एरिया क्या आया, चार गुणा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और तीन गुणा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, टोटल एंड लेटरल सरफेस एरिया। ये बेसिक सी बात होगी, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है टेट्राहेड्रोन में वो होती है टेट्राहेड्रोन की हाइट। ये अगर आपको पता है तो किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए आप उसको इजीली डील कर सकते हो। चलिए अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 3D के अंदर। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं P, इसको Q और इसको R। 3D में जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो मान लिया मैंने कि जो मेरा ABC है वो यहां पर है। ये जब हम लोग उठाना स्टार्ट करते हैं तो आपने क्या देखा, इसको यहां उठाया P आ गया,
इसको यहां उठाया आर आ गया, इसको यहां से उठाया क्यू आ गया, और ये जो पी क्यू आर है ये तीनों के तीनों 3D के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चले गए। इस पॉइंट को हम लोगों ने कह दिया ओ, इस पर पी भी है, इस पर क्यू भी है और इस पर आर भी है। अब इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। इस शेप को आप थोड़ा सा 3D में फिल करने की कोशिश करेंगे। अब देखो वॉल्यूम पर आते हैं। वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है हमारा बेस एरिया इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। लेकिन कब? जब आपकी शेप बेस से टॉप तक एक जैसी है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्यूब, घन में आपने देखा बेस एक स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर, हाइट भी उसकी ए होती है तो वहां ए क्यूब हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। ऐसे ही हमने क्यूबॉइड अगर पढ़ा है, अगर आपने क्यूबॉइड पढ़ा है तो आपने क्या देखा होगा, बेस एरिया ए इंटू बी, हाइट उसकी हो जाती है सी, तो वो कॉन्सेप्ट वर्क करता है। ऐसे ही सिलेंडर की बात करें तो बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, हाइट होती है एच। तो इसका मतलब वॉल्यूम का जो डीप कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि बेस एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम कहोगे। लेकिन अगर आपकी शेप के अंदर कोई स्लांट हाइट मौजूद है, कहने का मतलब उसमें कोई झुकाव है, या फिर एकदम कॉमन सेंस के लिए इतना ध्यान रख लेना, अगर आपकी शेप का बेस तो कोई पर्टिकुलर है लेकिन वो खत्म किसी पॉइंट के ऊपर होती है, तो उस केस के अंदर आप मल्टीपल लिखोगे 1/3। ये क्यों होता है, इंटीग्रेशन से आता है। इस वीडियो का लिंक चेक करिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा कि 1/3 कहां से आया। तो वॉल्यूम हो गया बेस एरिया इंटू हाइट। अब देखो वॉल्यूम 1/3, बेस एरिया में क्या लिख सकता हूं, मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था √3/4 ए स्क्वायर। अब इश्यू आ गया इसकी हाइट क्या लिखें। तो देखो यहां इस हिसाब से हमारे पास ये कुछ डायग्राम था, आप इसको इस हिसाब से कन्वर्ट करते हो तो देखो ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल था, एकदम मिड के अंदर आ गई। इस पॉइंट को मैंने कह दिया कि एकदम मिड पॉइंट है, तो AB का मिड पॉइंट मेरे पास आ गया कि लिखा जा सकता है। इसको मैं P के साथ मिला देता हूं तो ये मेरी कहलाएगी L। L मतलब स्लांट हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन, स्लांट हाइट होगी। अब एक बात नोट करना, ये L क्या था असल के अंदर, L आप इसको क्या कह रहे हो, यहां P से लेकर इसके मिड पॉइंट तक की दूरी। जब मैं इसको इस हिसाब से रखता हूं तो P मेरा यहां है, A मेरा यहां पर है, B मेरा यहां पर है, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी जब ये फोल्ड हुआ तो स्लांट हाइट के अंदर कन्वर्ट हो गई। लेकिन वो एक्चुअल में क्या थी, L P से लेकर K तक की दूरी ये वाली। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं हाइट ऑफ द ट्रायंगल, कौन से ट्राइंगल की, जो इसकी सरफेस का ट्राइंगल है उसकी हाइट हो गई है। अब देखो इक्विलेटरल के लिए आपने पढ़ रखा होगा कि अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स ए ए और ए होती हैं तो हम लोग इसकी हाइट को लिखते हैं √3/2 ए, √3/2 ए। इसका मतलब एल तो मेरे पास आ गया √3/2 ए। अब मैं क्या करता हूं, इसका सेंटर लेता हूं ट्राइंगल एबीसी का, आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री के अंदर सारे के सारे सेंटर इसी पॉइंट पर होते हैं ओ डैश पर, चाहे वो सेंट्रोइड हो, इन सेंटर हो, सरकम सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, सारे के सारे इस पॉइंट पर होते हैं। इसका मतलब मेरा ये सेंटर यहां हो गया ओ डैश। ओ डैश को के से जब मैं मिलाऊंगा तो ये मेरी रिप्रेजेंट करती है स्मॉल आर को। इस बारे में हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज में बाद में डिस्कशन करेंगे कहां से आता है ये वाला। आप एक बार के लिए इतना ध्यान रख लेना, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में स्मॉल आर की वैल्यू लिखी जाती है ए अपॉन √3। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की भी एक अप्रोच होती है, एक ऐसा यूनिवर्सल फॉर्मूला भी होता है जो हर ट्रायंगल पर अप्लाई होता है, लेकिन उस बात को एक बार आप स्किप कर दो। हमने क्या निकाला, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो स्मॉल आर या ए अपॉन √3 हो गई। अब देखो हाइट का इश्यू तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि या क्या हमने, जैसे ये हमारे पास था, अब इसको फोल्ड किया आपने, अब इस पॉइंट से लेकर एकदम इसके मिड पॉइंट को मिला देते हो, यहां से लेकर के यहां मिड पॉइंट एकदम जो इसका सेंटर है वहां तक मिला देते हो, वो होगी हमारी टेट्राहेड्रॉन की हाइट। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये 90 डिग्री, इसको मैं कहता हूं हाइट, ये है एच हमारी हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन की हाइट होगी।
यहां से हमारे सामने क्या कंक्लूजन निकलता है, एच जो है वो हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रॉन हो गई, 90 डिग्री के सामने हमारे पास हाइपोटेनस हो गया। अब देखो मैं अगर एच फाइंड करना चाहता हूं तो 90 के सामने हाइपोटेनस का स्क्वायर 3/4 ए स्क्वायर, उसमें से मैं लेस कर दूंगा ये जो मेरा बेस है इसका स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर 4 और 3 12 हो गया। ऐसा करते हैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, लेकिन अंडरूट लगा हुआ है तो बाहर ए आ जाएगा, 12 इसका एलसीएम हो गया। अब देखो ये 3 बार मल्टीप्लाई 9 और यहां से एक 8 आ गया, 2 से 4 से कैंसिल आउट करोगे 2/3, एच का रिजल्ट क्या आ गया, ए 2/√3। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है हमारे लिए वो होती है टेट्राहेड्रॉन की हाइट। चलिए इतनी बातें आ गई, इनको हम लोग करते हैं फॉर्मूले में पुट। वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो लिखा 1/3 बेस एरिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर, हाइट हमने अभी अभी निकाली ए 2/3, ये रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, वॉल्यूम क्या आ गया ए क्यूब, ये ऊपर √2 नीचे 3 × 4 = 12 ए क्यूब, ये आपका हो गया टेट्राहेड्रॉन। अब देखो एक एक करके सारी बातों को फिर से समझते हैं कि टेट्राहेड्रॉन में वैसे तो हाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या देखा, जो हमारा टेट्राहेड्रॉन है वो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया हो गया 4 × एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 4 × √3/a² टोटल सरफेस एरिया 4 × √3/4a² इसको आप कैंसिल आउट करके याद रखो या सीधे याद रखो, लेटरल सरफेस एरिया में 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल तो 3 × √3/4a². सबसे इंपॉर्टेंट हाइट क्या निकाली थी, 2/3 का √ a, ये टेट्राहेड्रॉन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा हो जाता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम या तो देखो आप ध्यान रख लेना 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट भूल भी जाओ तो, या फिर सीधे सीधे ध्यान है √2/12 a³। ये कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट हो गए। अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका बड़ा ही आसान सा होता है, जैसे सबसे बेसिक सवाल मैं कहूं आपसे कि आपको ये कहा जाता है कि एक टेट्राहेड्रॉन है उसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। अब यहां से क्या क्या सवाल डेवलप हो सकता है, एक तो आपसे कह दे कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आपने देखा 4 × √3/4a², तो यहां 4 से 4 कटेगा, ये कितना आ जाएगा 36√3 लिखा जा सकता है। दूसरा आपसे कह दे कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्र पर, तो आप फॉर्मूला ये अप्लाई करोगे, यहां से देखो क्या लिखा आपने 3 × 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 6 × 6 = 36, 9 तो ये आ गया 27√3 ये लिखा जा सकता है। आपसे पूछ लेता कि इसकी हाइट क्या होगी, तो आप क्या लिखते 2/3 का √ 6। कई बार क्या होता है वो इस बात को थोड़ा सा सोल्व कर देता है, सोल्व करने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2 तो ये इससे कटेगा तो ऊपर क्या लग जाएगा इसके अंडर रूट। अब देखो अंडर रूट में है तो ये 2 तो बाहर आ गया और यहां से क्या बन गया 6। इसी सवाल में हमसे पूछ सकता था कि बताओ इसका वॉल्यूम, तो हम क्या करते √2/12 a³ 6 × 6 × 6 देखो ये 36 12 से कैंसिल आउट 3 तो यहां से 6 × 3 = 18√2। एक तो सबसे सिंपल सवाल ये हो सकता है। अब देखो सारे सवाल इन्हीं चीजों के चारों ओर घूमते फिरते रहते हैं, एक पैटर्न और भी डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। जैसे आपको ये कह देता कि इसकी हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है, हमें कह दिया इसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है, हमसे पूछ सकता है वही सारी बातें कि बताओ इसकी साइड क्या होगी, बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो ये सारी बातें इससे पूछी जा सकती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक साइड फाइंड कर दिया, आपको पता है हाइट लिखी जाती है 2/3 a = एच की जगह 12, यहां से ए की मैं बात करूं तो 12 √3/2 का √2। अब आपको एक बात बताई थी कि इसको फिर वो सोल्व कर देता है तो इसको क्या लिखेगा वो 6 × 2 देखना जरा, 6 तो मेरा हो गया यहां पर, √2 इससे कटेगा, √2 इस पर लग जाएगा, ब्रैकेट के अंदर चला गया तो 6√6। एग्जाम में क्या होता है इनको कई बार सोल्व करके आपके सामने रख दिया जाता है। साइड आ गई, आपसे पूछा कि बताओ टोटल सरफेस एरिया, तो आपने देखा 4 × √3/4a² 4 से 4 कैंसिल आउट
तो रूट थ्री ए स्क्वायर, यहां से 36 इंटू में 6 का क्यूब बन रहा है 216, रूट थ्री इसका रिजल्ट हो गया। आपसे यहीं पर पूछ लेता कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप क्या करते 3 इंटू रूट 3 बाई 4 इसका स्क्वायर करते, तो 6 इंटू 6 36 और रूट हट जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये यहां पर 9 आ गया। अब देखो ये 54 हो गया, 50 से किया 150, 4 से किया 12, 162 रूट 3, ये रिजल्ट हो गया। आपसे पूछ लेता वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपने क्या देखा, रूट 2 अपॉन 12 ए क्यूब, 6 का क्यूब 6 इंटू 6। अब देखो इसका भी क्यूब होगा तो दो बार में तो 6 बनेगा, एक 6 आपका अलग से रह जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दो 3 से। देखो 6 गुणा 6 36 और 36 गुणा 3 108 और ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया रूट 6। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी बात है, कॉन्सेप्ट को समझ लो कि इस हिसाब से आपको चीजों को ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइट, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कोई भी शेप जिसका आधार कुछ फिक्स है एक पॉइंट पर खत्म होती है, पॉइंट उसका रीजन नहीं होता, उसमें स्लांट होना जरूरी है, तिर्यक ऊंचाई अगर है, लेकिन हर जगह ये बात रिलेट हो जाती है, तो इसलिए हम लोग इसको यही कह देते हैं कि कहीं कोई पर्टिकुलर बेस है एक पॉइंट पर खत्म हो गई, इसका मतलब वॉल्यूम 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। हाइट आपको पता है, बाकी सारी चीजें आप इजिली फाइंड कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ये भी जरूर बताएं कि इनके अंदर हम लोग और क्या सुधार करें। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।